Officially good morning guys, myself Chandan Kumar. I hope you are doing well. Today we are going to learn current electricity for class 9. Here we discuss few topics related to these chapters. These topics are, first one is potential and potential difference. Second one is conductors and insulators. Insulators also known as bad conductors. And third one is electrical resistance and Ohm's law. And fourth one is connections of resistors and effective resistance. Okay, we will discuss all these topics one by one. But before we move forward, I would like to request you please subscribe our channel Study with Chandan to get the latest notifications related to your class. If you like this video, please share it with your friends and on social media. देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं potential difference and potential difference को मैं पिछले lectures में ले चुका था. यदि आप नहीं देखें conductors और insulator के बारे में भी बताया था और Ohm's law के बारे में भी मैं discussions कर चुका था. यदि आप वो video नहीं देखें तो मैं उनका link description में दे दूंगा, वहां पर से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं. आज जो है हम लोग अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. और कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंसेस सबसे पहले जानेंगे क्या होते हैं. चलिए देखते हैं कंडक्टर्स हम लोग किनको बोलते हैं. कंडक्टर्स उनको बोलते हैं जो क्या करें इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या हो, गुड कंडक्टर्स हो, गुड हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास करे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर्स बोलते हैं. और वहीं पर इंसुलेटर्स है उनको हम किनको बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने थ्रू ना होने दे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं, एक वायर लेते हैं और वायर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट से सब जोड़ते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है करंट जो है वो क्या होगा फ्लो होगा. लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं वहां पे एक वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और उनको हम लोग उनसे जोड़ते हैं, तो क्या वुड के थ्रू करंट जो है पास होगा, नहीं होगा. तो वुड जो हो गया वो क्या हो गया हमारा इंसुलेटर हो गया और वायर जो है वो क्या हो गया हमारा कंडक्टर हो गया. या फिर जो भी मेटल होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा अपने थ्रू, उनको हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे. और जो ऐसा मेटल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे इंसुलेटर बोलेंगे. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स. और फिजिक्स में बात करें तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि वायर है, वायर के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है. और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कंडक्टिविटी क्या होता है उतने ज्यादा होते हैं, वो आपस में मूवमेंट करते हैं. यदि उनके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो ज्यादा हो तो वो क्या बन जाता है बैड कंडक्टर बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है. और यदि रेजिस्टेंस कम हो उस इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए तो वो क्या हो जाता है गुड कंडक्टर हो जाता है. तो आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं जो ऐसा एलिमेंट्स जो स्टेबल नहीं है वो क्या होगा हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर्स होगा और कंडक्टर्स होगा. और जो स्टेबल है, जो सब्सटेंसेस स्टेबल है वो क्या होगा बैड कंडक्टर होगा. क्यों, जब बैड जब स्टेबल है तो उनका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा वो मूवमेंट्स नहीं करेगा, जिनके कारण वो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करता या फिर करंट जो है वो पास नहीं करता है. ओके गाइस, तो करंट कैन फ्लो इजिली थ्रू सच मेटल्स. कंडक्टर्स जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनके थ्रू जो है करंट जो है इजिली पास करते हैं, वहीं पर जो इंसुलेटर है उनके थ्रू करंट पास नहीं करते हैं. ओके गाइस, I have written the definitions of insulators here. So those substances which have extremely high resistance and through which current cannot flow are called insulators. Okay, जिनके through current जो है easily pass ना कर सके या फिर उनके अंदर high resistance हो वो क्या कहलाएगा हमारा insulator कहलाएगा. जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको wood, wood क्या करता है high resistance है उनके अंदर, उनके वो करंट को या फिर electricity को pass नहीं होने देता अपने लिए अपने अंदर से, तो वो क्या कहलाएगा हमारा insulator कहलाएगा. वहीं पर हम लोग जब मेटल लेंगे तो मेटल क्या करता है, जैसे आयरन ले लिए तो उनके थ्रू हम लोग करंट को पास करवा सकते हैं, उनके पास क्या होता है वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा कंडक्टर कहलाएगा. ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ओके, सबसे पहले हम लोगों को ये देखिए ये टॉपिक्स में क्या समझना है, रेजिस्टर. रेजिस्टर हम लोग इनको बोलेंगे जो रेजिस्टेंस पैदा करता हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टर बोलते हैं. जैसे मान लीजिए क्या मैंने कोई यूनिट्स लिया, सपोज दैट जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैंने एक यूनिट्स लिया, जैसे ये है हमारा क्या यूनिट्स है, ये क्या है रेजिस्टेंस पैदा करता है. यदि मैं इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को स्लो कर देता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को ये खुद कंज्यूम कर लेता है और फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी को ये भेजता है पास करता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा. और ये रेजिस्टर की बात कर रहे थे, सिंपल सी बात हो गया, ये वायर के दोनों साइड क्या है कनेक्टेड है, दोनों साइड वायर इनके है सर्किट के, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेजिस्टर कहलाएगा. ओके, इनके पास क्या होगा पार्टिकुलर कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए 6 ओम होगा या फिर 5 ओम हो गया, व्हाटएवर विल बी, जो भी इनका पार्टिकुलर रेजिस्टेंस पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेजिस्टर बोलेंगे. ओके गाइस, नाउ कम टू द टॉपिक्स, जस्ट अ वेट अ मिनट.
Okay. I have written here एक रजिस्टर इज अ टू इंट्स कंपोनेंट्स, मैंने भी आपको दिखाया है रजिस्टर क्या होगा, दो इंट्स कंपोनेंट्स होगा, आप अपने घर में भी देखते होंगे. ओके, हैविंग अ गिवन अमाउंट्स ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू इंट्स. ओके, नाउ रजिस्टर इन सीरीज. अब जो है हम लोग रजिस्टर को जो है अपने सिस्टमेटिक ढंग में रजिस्टेंस को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम लोग रजिस्टर को क्या करते हैं, दो टाइप से राइट डाउन करते हैं. एक तो है हम लोग सीरीज में लिखते हैं और दूसरा हम लोग क्या करते हैं उनको पैरेलली लिखते हैं. तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीरीज में किस प्रकार से राइट डाउन करते हैं या फिर उनको कंजेस्टेड करते हैं या फिर ऐड करते हैं. ओके गाइस, देखिए सीरीज में हम लोग इस प्रकार से ऐड करेंगे, एक एक रजिस्टर के बाद दूसरा रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर के बाद तीसरा रजिस्टर, एक ही वायर में क्या करना है हमें जो भी रजिस्टर को जोड़ना है उनको क्या कर देना, ऐड कर देना. जैसे मान लीजिए हम लोग घर में बल्ब है, जब बल्ब को क्या करते हैं एक एक वायर है, एक सर्किट है, कंप्लीट करवा रहा हूं मैं घर का. ये मान लीजिए वायर है, यहाँ पे मैंने क्या किया इसमें तीन जगह बॉल डाल दिया मैंने, सॉरी कुछ इमेज सही नहीं बना के लिए सॉरी. चलिए मैंने क्या किया थ्री बॉल्ब लगा दिया और थ्री बॉल्ब जो है तीनों क्या है एक लाइन में ही है, एक ही वायर पर है और एक ही जैसा है. और यहाँ पर से मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया किन से, सेल से. ओके, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस. ओके, जब ये देखिए तीनों एक ही लाइन में है तो ये क्या करेगा, जब ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन क्या करंट जब पास करेगा तो कुछ करंट क्या करेगा, ये कंजम्पशन करेगा, ये बल्ब को जलाएगा, कुछ ये जलाएगा और कुछ यहाँ पे. तो इनसे क्या होगा, जिनके पास पहले लाइट पहुंचा, जिनके पास पहले करंट पहुंचा वो क्या करेगा, ज्यादा लाइट को कंज्यूम करेगा और अच्छे से ग्लो करेगा. और उनके पास जो सेकंड है उनके पास कम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा, कम करंट पहुंचा, तो ये क्या करेगा हल्का सा लो ग्लो करेगा. और थर्ड जो है ये सबसे लो ग्लो करेगा क्योंकि एक ही करंट का सोर्स है और वो तीनों को जा रहा है. तो जिनके पास पहले जाएगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिनके पास कम सेकंड में जाएगा वो लो, और सबसे पहले जो है जो सबसे लास्ट में होगा उनके पास और भी ज्यादा लो जाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं जो सीरीज में होता है तो वहां पे क्या होता है जो करंट सप्लाई होता है वो सेम नहीं होता है, एक ही करंट से सप्लाई किया जाता है लेकिन सेम करंट जो है वो नहीं पहुंचता है. जिनके कारण क्या होता है जो रेजिस्टेंस होता है, जो बल्ब लगा होता है या फिर जो भी अप्लीकेंसेस होते हैं वो क्या करता है अच्छे से फंक्शंस नहीं करता है, उनका लाइट जो है वो क्या हो जाता है डिम हो जाता है. ओके गाइस, और हम लोग इस प्रकार से लगाते हैं. तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सीरीजेस में किस प्रकार से लगाए. पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2 और तीसरा R3 लगाया. और यहाँ पे हमारा ये स्विच है, मैंने आपको इंडिकेशंस बताया था पिछले वीडियो में, यदि आप नहीं देखें तो वीडियो को जाके देखिए और समझिए कौन कौन से इंडिकेशंस है. ये क्या हो गया हमारा सेल्स हो गया इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए. ओके, ये क्या हो गया हमारा एमीटर का हो गया, एमीटर का साइंस मैंने बताया था, ये क्या करता है हमारा करंट को मेजर करता है. और ये वोल्ट हो गया, ये किनको मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को. रेजिस्टेंस हर एक जगह पोटेंशियल क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया है एक ही जगह पे लगाया रेजिस्टेंस R1 के लिए. ओके, जब करंट पास करेगा तब देखिए क्या होगा. द थ्री रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स है हमारे दिए हुए, वन टू थ्री, तीन रजिस्टर से दिए गए और तीनों क्या है एक सीरीज में ही कनेक्ट किया गया है. ओके, और मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है वो कितना होगा, ये R1 के लिए क्या हो गया V1 हो गया, जब R2 के लिए लगेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा V2 हो जाएगा. जब यहाँ से यहाँ तक का फिर से मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो ये क्या हो जाएगा हमारा V3 होगा. अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, करंट जो है वो डिफरेंस होता जाएगा एक पॉइंट पे, जो सबसे पहले लेगा, सबसे पहले जिनके थ्रू होगा तो वहाँ पे सबसे ज्यादा करंट जाएगा, उनके बाद दूसरा जाएगा वहाँ पे लो जाएगा, तीसरा जो उनके पास लो जाएगा. तो इसी प्रकार उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, लेट द वोल्टेज अक्रॉस V1 V2 V3, जब सारे को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 और V2 V3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा V हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. होगा या नहीं होगा, क्योंकि सारे यहाँ पे क्या है ब्रेक डाउन है. जब हम लोग बोलेंगे चलो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. तो वहां पे मैंने लिख दिया, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको मान लेते हैं. नाउ कम टू द सेकंड. देखिए ओम्स लॉ से मैंने आपको बताया था RS क्या है हमारा, R क्या है रेजिस्टेंस है और S किन के लिए स्टैंड है, सीरीज के लिए. रेजिस्टेंस किस में है हमारा, सीरीज में है. तो मैंने पोटेंशियल ओम्स लॉ से आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस
करंट I किन के लिए स्टैंड है, करंट के लिए, और R स्टैंड है किन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू IRS मैंने लिखा है. ओके तो V1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जब V1 लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 41 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, करंट जितना करंट सप्लाई हुआ वो इनटू R1 रेजिस्टेंस फर्स्ट. V2 क्या हो जाएगा हमारा, करंट इनटू R2 जितना रेजिस्टेंस R2 पैदा कर रहा है वो. एंड V3 क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू करेंट इंटू आर थ्री जो भी रेजिस्टेंस है वो. ओके देखिए अभी हमें क्या मिल गया है, V1 V2 V3 का वैल्यू मिल गया है, सारे का वैल्यू मिल गया. तो हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, चलिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 V2 प्लस V3. तो V1 V2 V3 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, सारे का वैल्यू निकाल लिए तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे. तो भी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, आई इंटू आर, आर स्टैंड फॉर करंट, यहाँ पे देखिए आई स्टैंड फॉर करंट, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, तो आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीजेस. ओके वी वन क्या हो जाएगा हमारा, आई इंटू आर वन, और वी टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर टू, और वी थ्री क्या हो जाएगा, आई इंटू आर थ्री. ये किन के इक्वल हो जाएगा, भी के इक्वल. तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो आई देखिए क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन निकल जाएगा, सब भी में क्या हो गया, कॉमन आ गया. तो आई आई क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल के इस साइड भी है, इक्वल के उस साइड भी है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आई. तो बच गया क्या हमारा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, आर वन आर टू आर थ्री यदि सीरीज में है तो. ओके यदि आपसे पूछ रहा है बताओ एन रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में, तो आपको क्या बताना, सारे रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए सारे को क्या कर देना है, एड कर देना है, तो आपके क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस सीरीज का हो जाएगा. ओके गाइस तो आर एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर एंड सो ऑन टिल टू आर एन. ओके गाइस नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. इनके लिए कुछ है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनमें क्या हो जाएगा, आपका जो अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस लार्जर देन. यदि मान लीजिए आर वन जो है आर वन से ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, आर एस हो जाएगा. जो रेजिस्टेंस सीरीज में है वो क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आर वन. ओके और वोल्टेज जो है वो भी क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, ये डिपेंड करता है आपका करंट कितना सप्लाई हो रहा है. ओके नाउ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जब रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली ऐड करेंगे तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं. पैरेलल होने का मतलब क्या है, दोनों का जो दो एंड है वो क्या होगा आपका, दोनों इक्वल साइड से होगा. चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 तीनों को मैंने क्या किया, पैरेलली ऐड किया. पैरेलली ऐड किया है तो देखिए डिफरेंसेस आपको कुछ दिख रहा है क्या, एक जगह से करंट सप्लाई हो रहा है और तीनों में क्या हो रहा है, इक्वल करंट सप्लाई हो रहा है C2 डी पॉइंट तक. ओके तो चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे. जैसा कि हम लोगों ने लिए तीन रेजिस्टेंस लिए R1, R2, R3 और उनको कनेक्ट कैसे किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है पॉइंट C और D के बीच में. और भी क्या हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या चेंज होगा हमारा, नहीं होगा. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का होता है, दो पॉइंट्स का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. तो दो पॉइंट्स हमारा देखिए सी और डी, दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम है, और इनके बीच में बस जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला. चेंज यहाँ पे क्या होगा हमारा, करंट चेंज होगा. ओके लेट I1, I2, I3 be the currents flowing through the R1, R2, R3. और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, I1, I2, I3 जो है ये क्या है, करेंट फ्लो कर रहा है किनके थ्रू, R1, R2, R3 के फ्लो. तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं. टोटल करेंट कितना हो जाए, यदि पूछ दिया जाए कि बताइए टोटल करेंट D पर कितना पास हो रहा है या फिर C पर कितना हो रहा है, तो आपको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखिएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3. तो इनको हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. यदि हम सारे करंट्स को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल करंट हो जाएगा. ओके और आरपी मान लेते हैं, पी स्टैंड करेगा यहाँ पे किन के लिए, पैरेलल्स के लिए, और आर स्टैंड करेगा किन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए. हम लोग जो पैरेलली जो रेजिस्टेंस को ऐड किए हैं, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या आने वाला है. जैसा कि हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था क्या, वी इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, आई आर. वी इक्वल टू क्या बताया था मैंने, आई आर बताया था. मुझे निकालना है क्या, आई निकालना है, तो आई निकालेंगे तो क्या होगा, इधर आर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा. तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी अपॉन आर. आई अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन
आर, वी अपॉन आर हो जाएगा तो क्या होगा, सिमिलरली आई वन इक्वल टू वी वन, जब आई वन निकालेंगे तो आर क्या होगा, रेजिस्टेंस, बी तो हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, अभी आपको मैंने बताया सी और डी पॉइंट्स क्या है, एक ही पॉइंट है और दोनों पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग क्या करते हैं पॉइंट वाइज निकालते हैं, तो दो ही पॉइंट दिया गया सी और डी, लेकिन जब हम लोग सीरीजेस में थे तो बहुत सारे नोट्स थे बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी वन वी टू वी थ्री आया था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा क्यों सी और डी दो ही पॉइंट है, तो ओके तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह जाएगा भी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हमारा डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग आई वन इक्वल टू वी अपॉन आर वन, सिमिलरली आई टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर टू, और आई थ्री क्या हो जाएगा हमारा वी अपॉन आर थ्री, ओके सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन किन को माने थे हम लोग आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, आई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया आई वन आई टू आई थ्री का वैल्यू निकाल लिया, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे वी अपॉन आर पी, ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वी अपॉन आर वन, आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर टू, और आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर थ्री, तो सबको एड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए कॉमन क्या आ गया भी इक्वल के इस साइड भी है और भी इक्वल के इस साइड भी है, दोनों साइड में क्या है कॉमन है भी, तो भी को हम लोग क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे, ओके क्योंकि इधर देखिए ये क्या है डिवीजन फॉर्म है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे आएगा, ये देखिए नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में होगा तो क्या करेगा इसको कैंसल आउट कर देगा, तो भी क्या हो गया हमारा कैंसल हो गया दोनों साइड का, जब दोनों साइड का कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, हमारा रेजिस्टेंस जो है nth रेजिस्टेंस जो है यदि बोल दिए कि बताइए कितना रेजिस्टेंस है सीरीजेज में, तो आपको क्या करना है इस प्रकार से एड कर देना है 1 अपॉन आर पी 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर एन तक, ये चलता रहेगा जितना भी सीरीजेज दिया गया आपको उनको सारे को क्या कर देना है सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ओके गाइस तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा आर वन जो है वो क्या होगा ग्रेटर देन होगा किन से आर पी से, क्योंकि आर पी देखिए आप क्या है आपका डिविजनल फॉर्म में, सारे क्या है डिविजनल फॉर्म में, तो इसलिए क्या होगा R1 जो है वो RP से इंडिविजुअली ग्रेटर होगा, और ये जो है इस प्रकार का जो हम लोग पैरेलल सीरीजेज जो यूज करते हैं पैरेलल सीरीजेज इसलिए यूज करते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो कम हो और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हो वो बाधित ना हो, जैसे मान लीजिए सीरीज में क्या होता है यदि मान लीजिए तीन बल्ब है एक बल्ब क्या हो गया वहां पे जलना बंद हो गया एक वायर उस बल्ब का कट गया तो जो दूसरा वायर है वो भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा वो भी बल्ब नहीं बढ़ेगा तीसरा बॉल जो है वो भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन सीरीजेज में सॉरी लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, यदि मान लीजिए एक बल्ब आपका नहीं जल रहा है एक बल्ब का वायर समाप्त हो गया खराब हो गया तो दूसरा का नहीं समाप्त होगा वो जलेगा ही जलेगा, ओके और रेजिस्टेंस भी क्या करता है ये कम प्रोड्यूस करता है और अच्छा होता है, और हम लोग होम में जो है किनका यूज करते हैं पैरेलल किनका यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शंस का यूज करते हैं, ओके बहुत जगह पैरेलल भी यूज किया जाता है बहुत जगह आपका क्या कहते हैं सीरीजेज भी यूज किया जाता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है वो हाउस होल्ड पर डिपेंड करता है कौन कैसा लगा रहा है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे आपका सबसे पहले जो मैन स्विच जो जोड़ा जाता है वो सीरीज में जोड़ा जाता है, यदि हम लोग क्या करते हैं उनका करंट को कट करते हैं तो क्या होता है सारा जो घर का कनेक्शन होता है उनका कट जाता है, तो वो क्या हो गया हमारा सीरीज हो गया, ओके यदि मान लीजिए हम लोग क्या किए दो दो डबल डबल एमसील लगाए हुए हर के लिए अलग अलग तो वो क्या हो जाएगा वहां पे जो हम लोग करंट को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ओके गाइस बहुत जगह सीरीज में भी होते हैं बहुत जगह पैरेलल भी होते हैं, ओके और ये पैरेलल क्या करते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उनको कम करता है, ओके गाइस नाउ कम टू द नेक्स्ट, आपको क्या करना है जो एग्जांपल नंबर वन है उनको सॉल्व आउट करके घर से लाना और आपको कमेंट सेक्शन में सेंड करना या फिर जीजा सर पे सेंड कीजिए, और एग्जांपल वन और एग्जांपल टू जो है एक आपका सीरीज का है एक पैरेलल का है दोनों घर पे सॉल्व करना है, और इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हुआ, और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी इनको आपको घर पे कंप्लीट करना है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा और वो आपको मैं बताऊंगा, ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए कॉमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए, और डिसलाइक यदि आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया प्रॉब्लम क्या थी, तो
तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करने का कोशिश करूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।